गोवा में बीजेपी सरकार के गठन की कोशिश को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का पहला हक उसका है। बीजेपी का कोई प्रीपोल अलायंस भी नहीं था। याचिका पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। इस मुद्दे पर कांग्रेस संसद में हंगामा भी कर सकती है। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर अपने 10 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में हैं। शपथ लेने वालों में बीजेपी की तरफ से 4 विधायक होंगे। इसके साथ महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 2, गोवा फॉरवर्ड के 2 और 2 निर्दलीय विधायक भी शपथ लेंगे। गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं। बीजेपी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। केंद्र सरकार से मनोहर पर्रिकर के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री बनने से पहले भी अरुण जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार था। मणिपुर में ओईबोबी सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा था कि सीएम के इस्तीफे के बाद ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ईबोबी सिंह ने बहुमत का दावा करते हुए कहा है कि वो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए एन बीरेन ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया है। पंजाब में सरकार गठन से पहले आज कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। चुनाव जीतने के बाद राहुल से अमरिंदर की यह पहली मुलाकात होगी। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी भी उनके साथ होंगी। सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए अमरिंदर सिंह 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के पांडव नगर गैंगरेप मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और वो मदद की गुहार लगा रही है। रविवार को हुई इस वारदात में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला बचने के लिए पहली मंजिल से कूद गई। उसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के मुनिरगा विहार के एक फ्लैट में जेएनयू के एक छात्र ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। 26 साल का मुत्तू रामकृष्णन एमफिल फर्स्ट ईयर का छात्र था। कल शाम करीब 5 बजे पुलिस को खबर मिली कि रामकृष्णन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर उसका शव पंखे से लटक रहा था। रामकृष्णन जेएनयू के हॉस्टल में रहता था और अपने दोस्त के फ्लैट पर आया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान लगातार 2 दिनों से फायरिंग कर रहा है। सीज फायर उल्लंघन के बाद चकादा बाग और पीओके के रावलकोट के बीच बस सर्विस 1 दिन के लिए रोक दी गई। एलओसी पार से हो रही फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 1 दिन पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार दागा, उसके बाद से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। यूएस सीनेट में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सदन की आतंकवाद संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष टेड पो ने कहा है कि ट्रंप सरकार को इस मुद्दे पर जल्द ही कोई फैसला लेना चाहिए। टेड पो ने पिछले हफ्ते एक विधेयक पेश कर कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉन्सर है और वो लादेन समेत अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की मदद करता है। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सीमा वर्मा सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के चीफ के तौर पर काम करेंगी। यूएस सीनेट ने सीमा वर्मा के नामांकन की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर्स ने कहा कि सीमा इस पद के लिए पूरी तरह योग्य है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ट्रंप के एजेंडे में टॉप पर है। सीमा वर्मा ने 20 वर्षों तक हेल्थकेयर नीति में काम किया है।